ये रहा घेरा गड्ढा और आज मुझे जिंदा ही यहाँ पर दफना दिया जाएगा इस ताबूत के अंदर। मेरा चैलेंज ये है कि मैं इस ताबूत के अंदर पूरे 24 घंटे रुकने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो भी दफन होके। तो यहाँ पे आप देख लो इस ताबूत में क्या क्या है। पीने के लिए मेरे लिए पानी है, खाने के लिए कुछ वेपर्स है, यहाँ पर ये एक फैन है और इसके अलावा कैमरे है, क्योंकि और अंदर काफी ज्यादा रिस्क होगा तो ये सभी बाहर नजर रखने वाले है। यहाँ पर ये मॉनिटर लगे हुए है तो इनसे ये मेरे ऊपर नजर रख लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों ये है वॉकी टॉकी जो कि है बात करने के लिए। तो चलिए मैं अपना चैलेंज स्टार्ट करता हूँ और आप इस मजेदार वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक। और अभी से यार दिल धड़क रहा है क्योंकि चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे 24 घंटे के लिए दफन होना है। तो चलिए गाइस फटाफट से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। मैं जा चुका हूँ अब ताबूत के अंदर, बंद करो। गाइस अभी मैं हूँ ताबूत के अंदर और अब मुझे चारों तरफ से पैक करके दफना दिया जाएगा। गाइस कीले तो लगा दी हमने चारों तरफ और अभी टाइम हो गया है 9:26। अब इसको हम पूरा ही दफनाने वाले हैं, पूरी मिट्टी से पूरा दफना देंगे इसको, पूरे ऊपर तक मिट्टी बिछा देंगे। चलो बॉयज कम ऑन लेट्स गो। अब मैं पूरा दफन होने वाला हूँ। यहाँ पे अब पूरा अंधेरा हो चुका है गाइस। हमने उमेश सिंह रावत को पूरा 24 घंटे के लिए अंदर दफना दिया है। अब उसकी याद में एक फूल और 5 अगरबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके हाथ जोड़ के कैमरे के अंदर देखते हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं। चलो तू तो गया बेटे। और ये रहा अंदर से ताबूत, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर जरूरत पड़ी ना तो इस पंखे को भी मैं चला लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये सारी खाने पीने की चीजें मैं करता हूँ एक साइड में। काफी ज्यादा चीजें हैं ऐसे तो मेरे पास में, पानी है, खाने के लिए भी बहुत कुछ है। और ये है दोस्तों वॉकी टॉकी जो कि ना बाहर बात करने के लिए काम में आएंगे। और ये चार्जर भी है जिससे मैं ना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकता हूँ। यहाँ पर ये लाइट है, ये पंखा अगर ज्यादा गर्मी लगी ना तो इस पंखे को चला लूंगा। और यहाँ पर जो ये फैन है वो लगातार जो फ्रेश हवा है वो मुझे अंदर देता जा रहा है। और गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो रहा है, यहाँ पर आप देखो गर्मी होने लग गई यार मुझे यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर हुई बंद की हुआ है और अंदर का जो माहौल है वो आपके सामने है। और यहाँ पे देखो गाइस जो ये है ना ऊपर लगा हुआ, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। गाइस मुझे इस साइड है ना तेज गर्मी हो रही है तो मैं अपना मुंह उस साइड करने वाला हूँ। यहाँ पर गर्मी हो रही है यार इस वाले कोने में। गाइज ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे वाकई ऑक्सीजन की कमी हो रही है लगातार, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। और अभी तो क्या टाइम हुआ, लगभग मैं 1 घंटा रुका हूँ, कैसे रुकूंगा यार। यहाँ पर सेफ्टी का भी पूरा इंतजाम है, वहां पर एक कैमरा और यहाँ पर एक और कैमरा, यानी कि 2 कैमरे मेरे ऊपर नजर रखे हुए है। आप कितनी भी सेफ्टी रख लो अगर किस्मत खराब होना तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मान लो कि अभी इसके अंदर आग लग जाए पूरे केबिन के अंदर और जब तक मुझे बाहर निकाले ना तब तक तो भाई मेरा राम राम सत्य है, यानी कि मैं मर ही जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, अगर हो गया ना तो भयंकर वाली आग लगेगी इसके अंदर। मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी मुझे इसके पास में रुकना पड़ रहा है तब जाके मैं ना ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। मुझे अब लगने लग गई भूख तो यहाँ पर रखता हूँ कैमरे को। और क्या खाऊँ मैं अभी, अभी मैं खाऊँगा टेढ़े मेढ़े। भाई देखो देख रहा हूँ ऊपर की साइड में, मुझे है ना ऐसे होके बैठना पड़ रहा है, कब की है ना मेरी कमर दर्द हो रही है, ऊपर ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इस तरीके से बैठा हुआ हूँ। मैं गाइस जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ कि इस बोतल को खाली करूँ, बाकी तो आप समझ जाओ फिर कांड होने वाला है। इतना सा पानी है और इसके बाद में भी मेरे पास में 4 बोतल बच जाएगी
पानी की तो कोई कमी नहीं है 24 घंटे के लिए, लेकिन खाली बोतल की बहुत ज़्यादा कमी है, तो फटाफट से बोतल को मुझे खाली करना होगा। मिशन सक्सेसफुल गाइस, यहाँ पे आप देख लो मैंने ना एक बोतल खाली कर दी है और अब मुझे जोर से सुसू आई है सच में। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये कैमरा है ना इसको भी ढक देता हूँ और उस कैमरे को भी ढक देता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा MMS बना के वो वायरल कर दे। यहाँ पे लगाता हूँ मैं वेपर, ये लग चुका है, ये भी हो चुका है बंद, ये भी हो चुका है बंद। और गाइज आप बोल रहे होंगे यार छी सोगला वैसा वैसा, लेकिन यार क्या करूं, चैलेंज है 24 आवर्स का चैलेंज है वो भी, और सुसु तो सबको आती है तो क्या करें, सुसु इसी के अंदर करनी पड़ेगी। गाइज सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस ताबूत के अंदर सुसु करना, वो भी बोटेल में। तो यहाँ पे आप देख लो मैंने सक्सेसफुली है ना बिना नीचे गिराए इसके अंदर टॉयलेट कर दिए, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 500 रुपये लीटर वाले पेट्रोल को यहाँ इस लाइट के पीछे रख दूंगा, ये गया पीछे। काफ़ी ज़्यादा तेज सुसु लग रही थी, अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल रिलैक्स टाइप, नेचुरल है यार, सबको आती है सुसु, अब क्या करें, चैलेंज है तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोल क्या कर रहा है अंदर? मैं तो आराम से मस्त मजे ले रहा हूँ, क्या बताऊँ गाइस मेरी तो किस्मत खराब है। क्या बोल रहे हो? हाँ वो तो दिख रहा है हमको स्क्रीन के ऊपर, तू मजे ले रहा है वो तो, हम भी बाहर मजे ले रहे हैं, हम भी आराम से बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा के अंदर LED के अंदर देख रहे तेरे को आराम से लाइव। बिल्कुल मजे ले रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है सच में। अब यार तेरे पास सब कुछ सुविधा दे रखी है हमने, देख तेरे पास दो दो कैमरे लगा रखे है, फैन लगा रखा है। भाई इनका क्या करूंगा, अंदर गर्मी हो रही है भयंकर गर्मी, और है ना दम घुट रहा है, फैन लगाओ फिर भी गर्मी हो रही है। अरे दम घुट रहा है, दम ऑक्सीजन की कमी हो रही है अंदर। जा रहे उसको ऑक्सीजन देगा मुंह से, जा मुंह से लिपकिस करके आ जा। गाइस वो कोई गलत काम करने वाला है यहाँ पर, अगर है ना उन्होंने गैस वगैरह छोड़ दी अंदर तो भाई मेरी हालत पूरी खराब हो जाएगी। ओए मत करो, कोई पात तो मत देना, जल्दी निकाल, अरे पाद ना यार, पाद ना तेरे को, पाद आयो तो निकालू ना यार, पाद दिया तूने, पाद नहीं आया यार। गाइस चैलेंज को स्टार्ट हुए हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, और अभी देख सकते हैं पीछे सूरज भी जो है जाने वाला है, और वहाँ पे देखिए आज जो इंडिया का क्रिकेट आ रहा था वो लोग सारे के सारे मिलकर क्रिकेट देख रहे हैं। भैया की कोई फिक्र नहीं है, उन लोगों को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, देखिए वहाँ पे सामने कैमरा चल रहा है हालांकि, लेकिन उनको जो है क्रिकेट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गाइस यहाँ पे आप देखो ये कितना ज़्यादा डरावना है, पूरा का पूरा बॉक्स देखो आप, पूरा ही लकड़ी का बना हुआ है, और सच में ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया हूँ और अभी ताबूत के अंदर हूँ। आप सोचो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, इसको जोर जोर से बजाऊं तो भी कोई नहीं, इसको जोर जोर से बजाऊं तो भी कुछ नहीं, ऊपर से कितना भी ट्राई करूं तो भी कुछ नहीं, केवल अकेला ताबूत के अंदर। बस ये जल्दी से जल्दी ये चैलेंज खत्म हो जाए, हालत पूरी गाइस मेरी खराब हो रही है, बुरी तरीके से हालत खराब हो रही है, मैं बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया अभी। पर ऊपर तो चल रही है समोसा पार्टी, सर्दी है तो आग जला ली और समोसा पार्टी चल रही है। ओए किशोर भैया, भैया भूखा मर रहा हूँ, इसलिए तो मंगाए समोसे, क्या है ना कि इसके अंदर है आलू। हाँ आलू है, अगर उसको हम खिलाएंगे एक साथ दो या तीन समोसा दे देंगे, गैस बनेगी, फिर देखते हैं उसका रिएक्शन। आज सबको पता गाइस आलू से गैस, इसीलिए तूने समोसे मंगाए, इसीलिए समोसे मंगाए, फिर वो देखते हैं पोटी करने कहां जाएगा। चलो भैया को समोसे देते हैं, चलो इसको मैं यहां से देते हैं, देगा कहां से लेकिन उसको, यहां से नहीं ये जुगाड़ कर रखा है, अच्छा ऑक्सीजन पाइप से। गाइस मुझे शक हो रहा है क्योंकि किशोर मेरे लिए समोसे लेके आया है, ये तो नहीं हो सकता कि वो मुझे समोसे खिलाए, इतना अच्छा भी नहीं हूं मैं, सच में लेके आया तू समोसे? ठीक है आ रहे समोसे। अरे बीच में फंसा दिया, हवा भी नहीं आएगी अब तो। आ गए आ गए आ गए गाइस,
ये देखो अंदर की तरफ समोसे आ चुके हैं। आराम से समोसा खाता हूँ। और अभी गाइस 7 बज रही है, पूरा अंधेरा हो गया बाहर। ठीक है यार, समोसे इतना सेम टू सेम जैसा उजाला पहले था वैसा ही उजाला अभी भी है। और बाहर तो है ना रात हो चुकी है पूरी, पूरा अंधेरा हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, बाहर भले ही भाई परमाणु हमला हो या कुछ भी हो, मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो इसके अंदर ही रहने वाला हूँ। जिंदा आदमी है ना, चारों तरफ ये एक ही एक चीज देख के बोर हो जाए बिल्कुल। और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, तो आप सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी इसके अंदर। ये जो ताबूत है ना वो दोस्तों इस साइड से ज्यादा चौड़ा है और यहाँ से कम है, तो इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती है इस तरफ मुंह करके रहने में। देख लो आप, यहाँ से कम है और वहां से ज्यादा है ये। लेकिन जो फ्रेश हवा है ना वो इस साइड में है, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और अगर मैं वहां पर जाता हूँ ना उस वाले कोने में, तो भयंकर दम घुटता है, भयंकर वाला दम घुटता है। मैंने मेरी पूरी ताकत लगा रखी है ताकि मैं है ना इस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ। तो यार मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। ओ गाइस मेरी गांड फट रही है यहाँ पर, आप देखो ये कितनी बड़ी मकड़ी है, और ना जाने ऐसी कितनी मकड़ियाँ होगी इसके अंदर। हालत खराब हो जाएगी यार ऐसे तो। गाइस उस साइड में है ना, मेरे पीछे की साइड में मकड़ी है एक बहुत ही बड़ी, और काट लिया ना इसी के अंदर स्पाइडर मैन बन के घूमता फिरूंगा मैं। चली जा बाहर, बाहर जा बाहर। ले तू मेरा सूसू सूंग, अब मैं तो इस साइड नहीं सोने वाला। गाइस इस साइड है ना ये मकड़ी झाप ही नहीं रही है, तो मैं तो वापस है ना इस साइड में सोने वाला हूँ। बाहर में जाए ठंडी हवा, काट जाएगी मुझे ये मकड़ी अभी। गाइज मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर है ना दीमक लगना स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मुझे नहीं पता कि दीमक है ना इंसानों को खाते हैं या नहीं, लेकिन इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा दीमक दिखने लग गए। देखो गाइज कितने सारे दीमक घूम रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा दीमक है, बहुत ही ज्यादा, पूरी इनकी सेना है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं है ना मर चुका हूँ, और इसी के अंदर धीरे धीरे जो दीमक है वो मुझे खा रहा है। और यहाँ पर जो ये आप गैप देख रहे हो ना, इनमें से ये आ रहा है अंदर। देखो ये और दिख गई मेरे को, और भाई बहुत ही ज्यादा इसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, रिक्स बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मुझे रिक्स होगी। अब तो गाइज मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि फटाफट से जो ये चैलेंज है ना वो खत्म हो और मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। लगातार डर लग रहा है मुझे, नींद तो नहीं आने वाली, पक्का है नींद तो नहीं आने वाली गाइज, क्योंकि अगर मैंने ना नींद निकाली यहाँ पर और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पर संभालने वाला, क्योंकि मैं अकेला हूँ। देखता हूँ, और बाकी यार चारों तरफ में नजर आ रही, देखो ये अब चीटियाँ भी आने लग गई, इनकी कमी थी यहाँ पर। कभी क्या देखने को मिल रहा है, कभी क्या देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो गाइज अभी रात की 1 बज रही है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, आप ही सोचो कैसे नींद आएगी इस भयानक सी कैद में। मैं डर लग रहा है अब तो, देखो ये नीचे आने लग गया धीरे धीरे, काफी ज्यादा नीचे आ रहा है, देखो इस तरीके से हिल रहा है ये, ऐसा ना हो कि ये नीचे गिर जाए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, देखते कि बार वाकई मेरी सुरक्षा हो रही है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो घोड़े बेच के सो रहा है। हेलो 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 हेलो, देखो गाइस सब सो गए मुझे छोड़कर। अभी गाइस 2 बज चुकी है और भूख लग रही है मुझे काफी ज्यादा, क्योंकि कुछ खाए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अब है इसकी बारी, तो इसको करते हैं ओपन। गाइस यहाँ पे ये हो चुका है डब्बा ओपन, चाशनी काफी ज्यादा है, ऐसा ना हो कि चाशनी की वजह से है ना चींटी आ जाए मेरे पास में। खाने वाला हूँ आराम से, रसगुल्ले खा रहे हो, रात के 2 बज रही है। 2 पता है मुझे, 2 बज रही है, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तुम तो खाना खा रहे हो, मैं तो यही खा रहा हूँ बस। गाइस आप लोगों को पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, और वो आदमी जो है देखिए आप रसगुल्ले खा रहा है अंदर बैठ के। इसी जगह पे वो दफन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, और वहाँ पे सारी सुविधा हमने कर रखी है। यहाँ पे हमें वो लाइव दिख रहे हैं,
बाकी टीम वाले सारे सो रहे हैं, रात के 2 बज रही है, अभी तक भी चैलेंज स्टार्ट है। सुबह की जो है 7:12 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भैया जो है उठे नहीं है, तो चलिए उनसे एक बार बात करते हैं और उनको उठाने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। भैया नहीं उठ रहे ना, अब उठेंगे क्योंकि हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे देखिए फायर क्रैकर। अब किशोर करेगा इनका धमाका, अब मैं इसका ऊपर लगा दूंगा गाइस। अभी तो वो सो रहा है अंदर, देखो अंगड़ाइया ले रहा है। अब करते हैं थोड़ा सा उसके साथ प्रैंक। किशोर साइड में लगाना, उस साइड लगा दे थोड़ा, साइड लगाऊंगा। जला दे जला दे, ठीक है अब उठेंगे देखना। इसका तो कुछ रिएक्शन नहीं है। अरे उठ गया उठ गया उठ गया, आवाज ही नहीं की इसको बस। तो उठ गया उठ गया उठ गया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ गया गाइस। अरे मेरे शहर में अंदर तुझे? तू उठ नहीं रहा था कब से, हम तो मेरे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा पटाके जलाए जाए। मैं सोया था, कितने ज्यादा लेट था पता है तुझे? गाइस मुझे ये समझ में नहीं आता, हर जगह क्या पटाके चलाना जरूरी है? जो मेरी सुबह की शुरुआत हुई ना, वो भी इसी के साथ हुई। आप देखो अंदर की तरफ है ना, धुआं आ रहा है मेरा, वो बाहर पटाखे चला रहे हैं बाहर। अरे मेरी क्या हालत हो रही है अंदर यार, वैसे ऑक्सीजन की कमी है और ऊपर से। तो गाइस 9:27 पर हमारा चैलेंज खत्म होगा, अभी तक तो 7 बजी है, तो बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी। और यार सुबह सुबह है ना, मुझे लगती है पोटी, सबको ही लगती हो तो सुबह सुबह, लेकिन आप सोचो यार अब कंट्रोल करना पड़ेगा भयंकर वाला। तो गाइस मैंने ना कल एक काम एक और गलत कर दिया, मैंने खा लिए थे समोसे, समोसों की वजह से है ना पेट फुल गड़बड़ हो रहा है फुल। जो मेरे पास खाना था ना उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या गिर चुका है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर दीमक चीटिया इस तरीके से कीड़े मकोड़े गिर चुके हैं। मुझे पता था कि ये ना कीड़े मकोड़े इसके अंदर जरूर आएंगे, और वाकई आप ही गए और इसमें गिर गए। कोई बात नहीं, अब ये खाने लायक तो नहीं है, मुझे कोई दूर सी चीज ही खानी पड़ेगी। फाइनली गाइस उनके चैलेंज को खत्म होने के लिए अभी जो कितना टाइम है, मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ। 8:28 अभी हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे 8:28 हो रही है, काफ़ी जल्दी उनका चैलेंज खत्म होने वाला है। थोड़ा और वेट करते हैं, खत्म होने वाला है चैलेंज। अब गाइस चैलेंज खत्म होने में केवल थोड़ा सा टाइम बाकी है। जी हाँ दोस्तों, खुशी हो रही है काफी ज्यादा, बाहर निकलने वाला हूँ मैं इस जेल से। भाई कमर दर्द कर रही है इसी तरीके से, देखो आप, मुझे लगातार इसी तरीके से रुकना पड़ता है, मैं बैठ भी नहीं सकता अच्छी तरीके से, केवल सो सकता हूँ। अब तो गाइस केवल 36 बाकी है और 36 बाद में मैं निकल जाऊंगा बाहर इस मौत से। What happened? बाहर निकालो मुझे, टाइम बाकी है। कितना टाइम बाकी है अभी? मिनट बाकी है, 6 मिनट 6 मिनट। निकालो, अभी थोड़ा रुक जा रुक जा रुक जा। मुझे पता है गाइस आपको खुशी होती है जब हम कुछ अलग वीडियो लेके आते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं, ठीक है? और हम है ना आपकी बात हमेशा मानते हैं और अलग ट्राई करते हैं, जैसे कि यह चैलेंज आप देख लो। लेकिन यार आपका सपोर्ट नहीं दिखाते हो, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, हमारे को इसी चीज़ से खुशी मिलती है। आपका कुछ नहीं चाहिए, एक पैसा भी आपका नहीं चाहिए, बस एक लाइक चाहिए आपका। और चैनल बने हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, आराम से चैनल सब्सक्राइब करना तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। टाइम पूरा हो गया, अरे जिंदा है ये, जिंदा है। अब जाके मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अंदर झुक के भाई हालत खराब हो गई थी, पूरा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था मैं।
कमर दर्द कर रही है अभी तक भी। भैया पेट्रोल क्या पेट्रोल में उसको बेच के आ जा तू 500 रुपए लीटर में। मेरे को नहीं चाहिए 500 रुपए लीटर। बाकी गाइस जब वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना, वीडियो का वो करना लाइक, चैनल बने हो तो कर देना चैनल का सब्सक्राइब। मैं रुका 24 ओवर्स इस ताबूत के अंदर, चैलेंज हुआ पूरा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।